नाम अंसर जावेद है और बायकास्ट में आ रही हूँ। बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ जिसका नाम दे टूटा है और सिटी जो है उसको मेहरापुर लगता है हमें, और ज़िला जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो निशारो फिरोज है। तो 2016 में मैं कराची में आया था और उस वक़्त मैं एक बिल्कुल माइनर अमाउंट लेकर आया था, कुछ 4-5 हज़ार का होगा। मैंने उन टाइमों में एक मस्जिद में मार्बल्स भी लगवाए मजदूरी करके साथ, क्योंकि जब इंसान कदम उठाता है तो फिर उसको वापस नहीं पलटना होता, कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है। तो अल्लाह पाक ने शायद उस मस्जिद में मार्बल लगाने के बाद जो है वो रिस्क खोला मुझे, फिर ऑनलाइन काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। उस वक़्त बिल्कुल एक लिमिटेड अमाउंट लगा के जो है वो काम स्टार्ट किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें बरकत दी। उस वक़्त बहुत कम ऑर्डर थे, कभी 1 आ गया, कभी 5 आ गए महीने के, कभी 10 आ गए महीने के। और रमज़ान शरीफ में रूटीन जो है वो बिल्कुल हमारी चेंज हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल डेज में दिन में काम कर रहे होते हैं, तो रमज़ान शरीफ में हम नाइट में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन में रोज़ा होता है, फिर इबादत भी करनी होती है, अपने घर को भी टाइम देना होता है, फिर मिसेज भी रोज़े से होती है, उसकी भी हेल्प करनी होती है इफ्तारी बनाने में। तो इसलिए हम ये सारा जो मरहला है वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हमें हमारे मुअज्जज़ कस्टमर्स भी याद होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि घर की डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, जैसे कि लैम्प होते हैं या मून एंड स्टार्स होते हैं, इसके अलावा लाइट्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि इतने अच्छे इवेंट्स के लिए हमारे बहुत सारे मौजूद कस्टमर जो हैं वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल होता है, वो भी जहन में होते हैं कि यार उनको भी ऑर्डर पहुँचाना है। तो इसलिए हम अपनी रूटीन रमज़ान शरीफ में चेंज करते हैं। जैसे कि लास्ट रमज़ान शरीफ में हम मोस्टली 200-250 पार्सल जो है वो डेली बेसिस पे पैक कर रहे होते थे और उसे शिप भी करवा रहे होते थे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा वक्त है कि मैं डेली बेसिस पे जो है वो 130, 150, 180 तक भी ऑर्डर देके आता हूँ। मैं तो वैसे इस चीज़ को मानता हूँ कि दुनियावी काम हो या आपके कारोबारी काम हो, अगर आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलते हैं, चाहे उसमें आपकी बेगम हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, या आपकी औलाद हो, अगर आप उनको साथ में लेके चलते हैं तो कामयाबी के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं।